ये चेक करो गाइस, ये चेक करो गाइस। अरे भाई, वाह 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 वाह। कैमरा एंगल वैसा नहीं रहेगा, कैमरा एंगल अगर चेस्ट पॉइंट पर ऐसे यूज कर रहे हो। ओ भाई साहब, ये देखो, ये छोटा और ये बड़ा है भाई। जाओ घर जाओ बाबू, घर जाओ। कहाँ आ गया तुम यहाँ? आपका नाम लिखा हुआ है। मेरा नाम लिखा हुआ है यहाँ, यहाँ स्टंट प्रैक्टिस करना अलाउड नहीं है। यहाँ स्टंट प्रैक्टिस करूंगा। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम बढ़िया होंगे। तो स्वागत करता हूँ आप एक और नई वीडियो में। फिलहाल निकल चुके हैं राइड करने के लिए। गाइस बहुत ज्यादा शोर हो रहा है क्योंकि हाईवे पर राइड कर रहा हूँ और अभी जा रहा हूँ ओवर ब्रिज पे। और नया चश्मा लिया हूँ भाई, कैसा लग रहा है कमेंट करके बताओ। क्योंकि इधर से जब राइड करते हैं ना तो भाई बहुत ज्यादा फेस पे धूप पड़ता है, आंख पे धूप पड़ता है, जिसकी वजह से मेरे को हाईवे क्लियर दिखता नहीं था। और भाई साहब सूरज देख लो यार, कितना तेज है आज। एक बात है लेकिन सूरज बहुत तेज था, थोड़ी देर पहले तो बहुत गर्मी था लेकिन अभी मौसम धीरे धीरे ठंडा हो रहा है और हवा थोड़ा ठंडा ठंडा चल रहा है। तो गाइस फिलहाल जा रहे ओवर ब्रिज पे क्योंकि पीयूष आ चुका है बहुत दिनों बाद, अपना नूब राइडर भी आ रहा है। बहुत ही मजा आने वाला आज किस ब्लॉग में, तो वीडियो में एंड तक जरूर बनी रहिएगा। डैड बोलते हैं गोप्रो सेटअप पे चलिए। तो गाइस फाइनली आ चुके हैं अपने गोप्रो सेटअप पे। भाई साहब दो मिनट पहले तक बहुत तेज धूप था, खाली हवा में ठंडक आई थी और अभी देख लो सूरज गायब हो चुका है। सूरज चल गया बादल के पीछे, मौसम बढ़िया हो गया है। पता नहीं मौसम बढ़िया हुआ है या फिर मेरे को चश्मा की वजह से लग रहा है, क्योंकि चश्मा पहनने का आदत नहीं है ऐसा, सनग्लासेस वगैरह, तो शायद चश्मा की वजह से लग रहा है, पता नहीं। भाई हाईवे पर राइड करने में बड़ा डर लगता है यार, बारह पीछे प्लेट प्लेट के देखना पड़ता है, गाड़ी बगल से पार तो नहीं हो रही है ना। हर दिन हमारा जूता गंदा होता है, हर दिन जूता बढ़िया से वॉश करते हैं लेकिन कोई उपाय नहीं भाई हमारे पास। ओवर ब्रिज पर जाने का यही एक शॉर्टकट रास्ता है। और मेरे साइकिल से कुछ नट बोल्ट का आवाज़ आ रहा है, पता नहीं कहाँ से आ रहा है इतना सारा नट बोल्ट का आवाज़ लग रहा है। लगता है कोई नट वगैरह लूज़ है मेरे साइकिल में। अभी ओवर ब्रिज पर जाएंगे तो देखेंगे क्या लूज़ है भाई। सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट भाई ये वाला है, ना जा करके जूता गंदा होगा। ये 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 आज पाँव ही नहीं रखूँगा। अरे 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 अरे, चलो चलो चलो। ओह पीछे देखो भाई, ना जा करके जूता गंदा करवाओ, डेली जूता वॉश करो। अच्छा स्टैंड हिल रहा है। ओ भाई साहब स्टैंड तो पूरा लूज हो गया नट गिरने पे। तो ये चेक करो गाइस, आज अपने ब्लॉक की पहली व्हीली। भाई जब टायर उठी ना तो बहुत सारा डस्ट निकला यहाँ से अगला टायर के पास से। हो कहाँ, मेरे को कोई दिख नहीं रहा है, क्यों नहीं दिख रहा मेरे को? अभी चश्मा उतार रहे थे भाई, अच्छा से मेरे को दिख रहा है कौन है कौन नहीं है। लग रहा मेरा आँख कमज़ोर हो गया भाई। मैं वीडियो वगैरह एडिट करते रहता हूँ ना तो फ़ोन के सामने ऐसे लेकर बैठा हुआ रहता फ़ोन। पापा बोलते तुम्हारी आँख ख़राब होने वाला है, बहुत जल्द ख़राब होने वाला है, हमको मालूम है। उनको नहीं मालूम है कि भाई वीडियो एडिट करने में कितना एफर्ट्स डालना पड़ता है। मैं तो बताया कि मैं वीडियोज़ वगैरह एडिट करता हूँ ज़्यादा, जो फ़ोन देखता हूँ वो मैं कुछ ऐसे एंटरटेनमेंट के लिए कुछ नहीं देख रहा हूँ, वीडियोज़ वगैरह एडिट करता हूँ। उनको मालूम है वीडियो एडिट कर रहा हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा आँख पर असर पड़ता है मेरा वैसे। तो बोलते हैं आँख तुम्हारा जल्दी ख़राब होने वाला है, बहुत मेहनत लगता है। ठीक है मनीष, तो ये बंदा आज भी आया है। और ये कौन सा, पहचान में नहीं आ रहा ये लड़का, मेरे को पहचान में तो नहीं आ रहा। हमको फोन है भाई, हमको भी नहीं दिख रहा फोन है, चश्मा उसमें लगाया फोन है भाई। कहाँ, तो ये हम लोग का एरिया है, तू कहाँ स्टैंड प्रैक्टिस करने आ गया? नहीं जाओ घर जाओ बाबू, घर जाओ। कहाँ आ गया तुम यहाँ? आपका नाम लिखा हुआ है। मेरा नाम लिखा हुआ है यहाँ, यहाँ स्टैंड प्रैक्टिस करना अलाउड नहीं है। यहाँ स्टैंड प्रैक्टिस करूंगा। नहीं करना होगा, कौन हो तुम, नाम क्या है तुम्हारा? इसको रख लो, हम स्टैंड प्रैक्टिस करेंगे। इतना दिन के बाद आया ना भाई, पहचान, चेहरा वगैरह चेंज हो गया इसका। देख देख इसको पहना दे रहे तेरा हेलमेट। हाँ यहाँ ठीक है, हम तेरे लिए भगवान जी से फोन करके बात कर लिए कि मौसम ठीक करवा दिए। पीयूष आके ओवर ब्रिज पे वेट कर रहा है, देखा मौसम ठीक हो गया। हम भी वही सोच रहे थे कि हो जाए ठीक है ना। वाह वाह वाह, चलो स्लो साइकिल हो जाएगा, स्लो साइकिल आ जा आ जाओ, देखते हैं किसमें कितना है दम। स्लो साइकिल, स्लो साइकिल, ये लाइन से वो लाइन तक आ जाए। स्लो साइकिल में से नहीं जीत पाएगा तुम। किधर जा रहा है? साइकिल घूम रहा है, वैसे डिस्क्वालीफाई हो जाएगा भाई। स्कूल में मैं विनर रहा था फर्स्ट पे एकदम स्लो साइकिल में, और मेरे को पैसा भी मिला था डीएम से, वो भी बिहार में।
तो जो पैसा मिला था उसका मैंने ये साइकिल में टायर चेंज करवा दिया, तो उसमें मेरा पैसा वैसा नहीं रहता था उतना, तब की बात है। पता है स्लो साइकिल स्कूल में फर्स्ट आए थे पता है, और उसमें मेरे को डीएम से मिला था पैसा 1500 रुपये, टायर लगा दिए और एक सर्टिफिकेट और एक गिफ्ट, और उसमें जो पैसा मिला उसका हम टायर लगवा लिया था साइकिल में। अब साइकिल से जीता हुआ पैसा को साइकिल में इन्वेस्ट कर दिया, क्या अच्छी इससे अच्छा बात क्या हो सकता है, सबसे अच्छा बात यही है। और तो साइकिल टायर भी मेरा खराब था, हेलमेट भी देख रहे हैं, हेलमेट अच्छा लग रहा है वहाँ पे। व्हीली भूली है क्या, शायद नहीं हो रहा। मारो मारो मारो, हवा तेज है ना, बैलेंस नहीं बन रहा है। तो गाइस अभी हवा इतना तेज चल रहा है कि भाई किसी से व्हीली नहीं हो रहा है, और अपना नूब राइडर आता ही होगा रास्ता में, और अपना साइकिल का भाई स्टैंड पूरा झुक गया है, इतना समझ नहीं आ रहा कि स्टैंड मेरा ढीला कैसे हुआ है। मेरे घर पे लग रहा कुछ बच्चे लोग आए थे शादी में ना, वो लोग लग रहा है मेरे साइकिल से छेड़छाड़ किया है, देखो पूरा स्टैंड एकदम पूरा झुल गया है एकदम। तो पीयूष आया बहुत दिनों बाद, पीयूष के चाहने वाले भाई बहुत सारे सब्सक्राइबर है जो पीयूष को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, और पीयूष फाइनली आ चुका है। अभी कहीं नहीं जाना है, अब फिलहाल अभी रहना है ना, राइड वाइड करना है, बहुत दिन से बंदा गायब था और फाइनली अब आ चुका है। तो होगा बढ़िया बढ़िया राइड अब धीरे धीरे करके, और हम लोग मस्त मस्त राइड करने वाले हैं, थोड़ा सा लॉन्ग राइड का प्लान कर रहे हैं, देखते हैं लॉन्ग राइड हो जाएगा बढ़िया से तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि बहुत दिन से लॉन्ग राइड करना चाह रहा हूँ। बस ये गर्मी वर्मी की वजह से परेशानी था, घर पर शादी वगैरह था आपको मालूम ही है, और ये बंदा अभी व्हीली वगैरह थोड़ा सा भूल गया है, गिर जा रहा है ऊपर से हवा तेज़ है। तो गाइस चेक करो यहाँ पे एक और ऑडियो आ गया, एक और बंदा आ गया यहाँ पे, और एक और बंदा। तुम मिलने आए हैं क्या मेरे से? राइड भी जाओगे? साइकिल चलाने आता है अच्छा से? पक्का व्हीली आता है? दिखाओ। अब रैंडम बंदा भाई, मैं नहीं जानता ये लोगों को, ये लोग अचानक लोकेशन पे आ गए, लोग मालूम है कि यहाँ पे मैं आता हूँ। तो गाइस चेक करो इसमें फ्रीविल लगाया बंदा, पाँव उठाओ पाँव उठाओ, ये देखो ये छोटा है और ये बड़ा है भाई, चलेगा ही नहीं साइकिल, वो कहते ना पैंडल मारेगा, हम लोग लग रहा ना जो 8 स्पीड रहता है ना, 8 स्पीड पे सेट है वो। यहाँ पे बढ़ रहा है एनर्जी ड्रिंक भाई, देखो अब सब पी रहा है थोड़ा थोड़ा, सबका पेट में डीजल चला गया, अब इस लोग बाद देखो व्हीली मारेगा, मेरा में डीजल नहीं है और पेट्रोल पेट्रोल भी नहीं है। चाची एनर्जी, अरे भाई पांव पे चढ़ा दिया, कट तो अच्छा मारा लेकिन पांव पे चढ़ा दिया। तो गाइस इस बंदे का व्हीली चेक करो गाइस, अरे वाह अरे वाह अरे वाह, क्या नाम है आपका? आयुष। आयुष इधर, पीयूष दोनों स्टंट राइडर, और तुम्हारा क्या नाम है? आदित्य। और वहाँ पे मोनिस, अभी सारे नए नए बंदे लोग, मोनिस मोनिस, हम भी मोनिस बोल रहे हैं, लेकिन मोनिस नाम है उसका, मोनिस का है, बंगाली हो मोनिस, बंगाली हो इसलिए तो मोनिस नाम है, अगर हिंदू रहता तो मनीष, और बंगाली है बंगाली है तो मोनिस। चेक करो गाइस न्यू राइडर हमारा आ चुका है। तो गाइस बात कुछ ऐसा है कि आज न्यू राइडर भी ब्लॉगिंग स्टार्ट किया है, आज से वो चेस्ट माउंट ले लिया है, वो भी बोला ब्लॉग करेंगे, और पीयूष कर रहे हैं यहाँ पर कुछ नया स्टंट प्रैक्टिस। पीयूष लीन कर, लीन लीन स्पीड में आके, एकदम सुधा के मेरे पाँव के पास से पार कर, सुधा के एकदम एकदम सुतना चाहिए साइकिल, एक नंबर, और सुधा और सुधा और सुधा और सुतेगा और सुतेगा और सुतेगा भी, ये बंदा लीन मारने वाला, लीन सुधा सुधा और सुतेगा, छोटे छोटे बंदा भी ले मार रहा भाई। लेकिन एक बात है गाइज, आप लोग बहुत सारे बंदे छोटे छोटे बंदे देखो बिल्ली मार रहा है, ये थोड़ा ठीक ठाक मार रहा है, लेकिन ऐसे जगह पर अगर प्रैक्टिस करो तो अच्छी बात है, लेकिन जैसे हम लोग मेन रोड पर प्रैक्टिस करते हैं, मेन रोड पर स्टंट्स करते हैं, ये हम लोग का प्रैक्टिस इसलिए कर पाते हैं, आप लोग वीडियो देख करके इंस्पायर मत होना, ये चीज़ मत करना, वरना एक्सीडेंट होने के चांसेस हो सकता है, बस आप लोगों को एंटरटेनमेंट के लिए वीडियोज़ बना रहा हूँ, बस एंटरटेनमेंट लो और ये सब रोड पर ट्राई ना करो, खाली प्लेस में अगर स्टंट सीखना है तो खाली ग्राउंड में जाकर सीखो, ठीक है, वो बढ़िया रहेगा। चेक करो गाइस हमारा नूब राइडर आ चुका है यहाँ पे, और ये भी बंदा ब्लॉगिंग स्टार्ट किया है, लेकिन कैमरा सेटअप गलत लगा हुआ है, ऐसे में कुछ नहीं रिकॉर्ड होगा, अरे हमको मिल ही नहीं रहा है, हम इतना अच्छा वीडियो बनाए हैं, वीडियो क्यों नहीं देखा अभी तक, कैमरा एंगल वैसा नहीं रहेगा, कैमरा एंगल अगर चेस्ट माउंट पे ऐसे यूज कर रहे हो, हैंडल पकड़ो हैंडल पकड़ो, टोटल कितना भाई? लेकिन अब एक बात बताइए, हैंडल पकड़ो ना, हैंडल हैंडल पकड़ो, दोनों हैंडल पकड़ो, अब देखो एंगल सही हुआ। एक बात बताइए, उस टाइम तो घर में स्क्रू ड्राइवर से हम टाइट कर लिए थे, अभी कौन सा स्क्रू ड्राइवर, हाथ से हो जाएगा। हाँ अब रिकॉर्ड करो वीडियो, वाह 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 रे एंगल, फ्रेम पूरा नजर आ रहा है, वीडियो देख ब्राइटनेस और ब्राइटनेस बैक यार। तो गाइस अभी एंगल से ठीक किया, देखो गाइस ये करके लाया है
खाली दो टांग दिख रहा है और क्रेडिट XC900 दिख रहा है, हैंडल भी नहीं दिख रहा है। हमको बैठा के घुमा दोस्त। तो गाइस बहुत ही मजा आ रहा है भाई के साइकिल में बैठ करके। ए भाई तुम्हारा वजन उजन नहीं है ऐसे नहीं आगे चक्का उड़ गया है। या तो साइकिल या तो बंदा ही है। ये चेक करो गाइस स्टंट। अरे बाप रे बाप, 10,000 लाइक। तो गाइस चेक करो, पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा जैद गिरा था साइकिल से, उसका लाइट डैमेज हो गया था और इस पे थोड़ा सा स्क्रैच आया था और वो रिटर्न और ये नया माल आ गया ना। तुम यही करो केस होगा तुम्हारे ऊपर। कॉलर बाहर निकाल। ये चेक करो गाइस। अरे भाई कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं हुआ। हाँ वो ठीक है। चोट लगा? अरे यार चोट लगी। नहीं, हैंडल से लगा। इसको ज्यादा जोर से लगा? नहीं ठीक है ना, दिल पे चोट लगा इसको, है ना। सोचा भी नहीं होगा। चलिए ठीक है, हाँ लॉक था इस बार, लेकिन सामने वाला चक्का नहीं उठा। कमी लेकिन रह जाता है। और एक वो अपने गिरा के मानेगा क्या? गिरा के मानेगा क्या? अच्छा तो हो ही नहीं रहा। नहीं हमको नहीं आता भाई, हमको नहीं आता स्टंट। देख रहे हाइड्रोलिक लेके अब इतना अच्छा नहीं कर पा रहे है ना। ए नहीं गाइस देखिए, यहाँ मैकेनिकल है, यहाँ आगे पीछे दोनों ही मैकेनिकल ब्रेक्स है और फिर भी रोलिंग स्टॉप ही मार रहे हैं। तो इंडिया के लिए बहुत प्राउड वाला बात है। इंडिया के लिए बहुत प्राउड वाला बात है ना। इंडिया के लिए प्राउड वाला बात वो बंदा करवा रहा है जो सरकारी साइकिल पे विली मार रहा है। हाँ, वो भी लेडीज साइकिल पे। हाँ, लेडीज साइकिल में ये विली मार रहा है सरकारी साइकिल। दरअसल बात ऐसा है कि उसको मिला था दीदी को, लेकिन वो कर रहा है वो स्टंट। हाँ, यहाँ फ्री व्हील वगैरह लगा के और पीछे का मडगार्ड आगे का मडगार्ड गायब। फोटो ले मेरे साथ ले लो।